ग्राम चतुरपुर है जो अफजलगढ़ ब्लॉक जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस ग्राम में इतनी गंदगी, बारिश का गंदा पानी और अनियमितता पाई गई है कि काफी ग्रामवासी बीमार पड़ गए हैं। यह ग्राम का मुख्य मार्ग है जिसमें 2-3 ग्राम के लोगों का आना जाना प्रतिदिन लगा रहता है और वह लोग गारे कीचड़ में ही आते जाते हैं। क्षेत्रीय विधायक, सांसद और ग्राम प्रधान व मुख्यमंत्री पोर्टल पर सूचना देने के बाद भी इस गांव की स्थिति ठीक नहीं हो पाई है। पूरे गांव में 2 या 3 रास्ते मुख्य मार्ग है और वही रास्ते कीचड़ युक्त हैं, जिन पर कभी किसी जनता सेवक की नजर नहीं पड़ी। इस गांव के ग्रामवासी इतनी परेशानी भुगत रहे हैं कि किसी भी अधिकारी या नेता की भी कृपा नहीं है। रिपोर्ट मुकेश कुमार। मैं मुकेश कुमार, इंडिया 24 टीवी न्यूज चैनल से, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर जिला प्रभारी। मैं आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक छोटे से गांव में आया हुआ हूँ और यहाँ देखने को मिल रहा है जैसा कि बरसात का समय है और ये रास्ते जब से यहाँ पर ये गांव स्थापित हुआ है तब से यहाँ पर कभी अभी तक ना तो कोई भड़ंगा बिछा है और ना ही यहाँ पर लोगों के निकलने बढ़ने के लिए कोई व्यवस्था है और सभी ग्रामवासी इन रास्तों में गारे में निकलते पड़ते हैं। अब यहाँ गाँव कुछ ग्रामीण लोग तो इस रास्ते के लिए भागदौड़ कर चुके हैं जिसमें किसी भी अधिकारी, विधायक, ग्राम प्रधान किसी ने भी इनकी कोई मदद नहीं की। आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवंत कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो यहाँ पे जो है ये रास्ता कितने समय से खराब है? ये तो मेरा जब से मेरी याद है जब से खराब ही है। और इसमें किसी आपने काम कराने के लिए कहाँ कहाँ प्रयास? हम 3-4 बार तो वहाँ चले गए रतुपुर है। अच्छा। जो हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, सर्वेश जी और सुशांत जी से हमने कई बार ये रास्ता लिखा दिया है और मेरे साथ जो है 8-10 लोग गए हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो हमारा जो इस समय ब्लॉक प्रमुख हैं अंगूरी देवी, उनसे कई बार लिखा था लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इस पर कोई भी अधिकारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। मतलब ये आप बताइए इसमें आप जो ये रास्ते की मांग की है इसमें किसी भी अधिकारी ने किसी तरह की कोई आपको सांत्वना दी कि हाँ बन जाएगा या नहीं? कुछ तो कहा होगा आपसे? अजी साथ बना तो साहब सभी ने दी बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। अभी कई बार तो हम प्रधान के पास चले गए, कई बार हम विधायक के पास चले गए, जिला प्रमुख के पास चले गए, तो सबने आश्वासन तो दिया लेकिन काम नहीं हो पाया। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं 2-3 साल से हम पीछे लगे रहे हैं। सभी लोग काफी परेशान हैं क्योंकि गांव का मुख्य मार्ग है और इसमें एक गाँव से लेकर कम से कम 4-5 गाँव के लोगों का निकलना पड़ना है और इसमें सभी लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी है कि गारे में निकलते बढ़ते हैं, आते जाते हैं, जिससे गंदी बीमारियां फैल रही हैं और सभी लोग इससे रोग ग्रस्त हैं।